हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग डीपली एनालाइज करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में जो मैच होने वाला है, इसी मैच के बारे में। तो इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप का जो है दूसरा मैच है, वही जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए ये तीसरा मैच होने वाला है। अभी तक भारत ने एक ही मैच खेला है और उसमें से एक जो बहुत ही आसानी से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत चुका है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और उसमें दो में से उन्होंने जो है दोनों मैच जीत के ये मैच खेलने वाले हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेन की बात, क्योंकि अपने हमने देखा है लास्ट कुछ मैच जो है बारिश के कारण बहुत बार रुके हैं और एक दो मैचेस जो है वो नहीं हुए हैं। तो रेन होने के चांसेस जो है इस मैच से रिगार्डिंग जो है 30% है, तो हो भी सकता है और थोड़ी बहुत जो है मैच पे जो है रुक सकती है, लेकिन ऐसा कोई वेदर रिपोर्ट नहीं है कि बारिश के कारण जो है मैच ना हो। तो उस हिसाब से हम लोगों को टीम बनाना है और सारी टीम न्यूज़ एंड अपडेट हम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, उसके बाद आप जो है इस मैच पे कभी नहीं हारोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में दोनों टीम जो है 11 बार फिर है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर मैच जीती है। जैसे कि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया जो पहले, अभी आप ऐसा नहीं कह सकते, पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, सबसे हर समय जो है वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट हुआ करती थी, इसलिए वो 5 टाइम चैंपियंस रह चुके हैं। वहीं पे इंडिया ने जो वर्ल्ड कप में जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है 3 बार हराया हुआ भी है। वहीं पे बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की दोनों टीमों के, दोनों ही टीम बिल्कुल जो कि लास्ट मैचेस जीत के आए हुए हैं, तो दोनों टीम जो है शायद प्लेइंग 11 में जो है कोई भी चेंजेस ना करे। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को थोड़ी देर और शायद बेंच पे यहाँ पे बैठना पड़ सकता है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी रेट और लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए, तो उनकी जगह जो है यहाँ पे लगभग जो है दिखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन रही है तो वहीं पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को बैठा के वहाँ पर मोहम्मद शमी को जो है ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन केसेस में वर्ल्ड कप में आप जो फर्स्ट 11 खिलाते हो तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हो उसी 11 के साथ आप आगे जाओ और कोई भी टीम में जो है चेंजेस ना करो, अगर अनलेस कोई अगर इंजरी होती है। तो बात कर लेते हैं वहीं पे जसप्रीत बुमराह के साथ जो है भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करेंगे, वहीं पे चहल के साथ कुलदीप यहाँ पे बॉलिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सीमर में जो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन कुंडल नायर और एक स्पिनर एडम जम्पा जो है बॉलिंग करेंगे। वहीं पर जो है मैक्सवेल और स्टोनिस जो है फिफ्थ बॉलर्स का रोल जो है यहाँ पे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में, तो विकेट कीपिंग में MS धोनी रहेंगे। वहीं पे बैटिंग की बात करें तो यहीं पे रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे जो है यहाँ पे KL राहुल और नंबर 5 पे जो है केदार यादव या फिर हार्दिक पांड्या 5-6 में वही जो है हेरफेर हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 5 पे जो है धोनी आएंगे, उसके बाद 6 और 7 पे जो है हार्दिक और केदार यादव जो है बैटिंग करेंगे। वहीं पे बॉलिंग पे बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और ब्रेंच की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेंच पे बैट जो रहेंगे रिमेम्बर प्लेयर जो है मोहम्मद शमी, जो रविंद्र जडेजा, विजय शंकर और दिनेश कार्तिक जो कि एज अ विकेट कीपर बैकअप है टीम में। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको एलिस कैरी विकेट कीपिंग में देखने को मिल सकता है। एलिस कैरी एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, अगर मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है अगर आप जो है उस्मान ख्वाजा की जगह जो अगर आप एलिस कैरी को अगर नंबर 3 पे आप खिला सकते हो तो ये उस्मान ख्वाजा से जो है अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वहीं पर बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो डेविड वार्नर, अरुण फिंच, स्मिथ और उस्मान ख्वाजा और शॉन मार्क्स के बीच में जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे डाउट बनी है। वहीं पे मैक्सवेल और स्टोनिस जो है ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। वहीं पे बॉलर्स की बात करें तो पैट कमिंस, एडम जम्पा, नेथन कुल्टन नायन और मिच स्टार्क फास्ट बॉलिंग करेंगे। वहीं पे जम्पा जो है इकलौते स्पिनर, मेन स्पिनर है, वहीं पे पार्ट टाइम स्पिन जो है यहाँ पे मैक्सवेल करेंगे। जो प्लेयर जो है ब्रेंच पे बैठ सकता है वो शॉन मार्क्स हो सकता है, जेसन बियनरोब, नेथन लायन और केन रिचर्डसन। अब बात कर लेते हैं मैं आपको यहाँ पे ड्रीम 11 की टीम एक पहला देने वाला हूँ और दूसरा टीम मैं आपको माई 11 सर्कल की देने वाला हूँ, जिसमें आप अगर दादा को बीट करोगे तो आप 5 टीम प्राइम ज़्यादा जो है यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे
ड्रीम इलेवन की टीम आपको मैं दिखा देता हूँ। ड्रीम इलेवन टीम जब भी आप बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सारे प्लेयर्स का बहुत ही हाई है। तो बात कर लेते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर पे एक ऑब्वियस चॉइस है, एम एस धोनी के साथ ही आप जाओगे। लगभग कल के जो है 80% मैचेस पे जो है यहाँ पे जो है एम एस धोनी सभी के कैप्टन होंगे। हम लोग एक बार देख लेते हैं तो लगभग मेरा आइडिया सही है, लगभग 78% लोगों ने अभी तक ऑलरेडी एम एस धोनी को अपने टीम में लिया हुआ है। बात कर लेते हैं जैसे कि बैट्समैन की, तो मैं आपको एलिस कैरी के बारे में बता देता हूँ। अगर एलिस कैरी को मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एम एस धोनी के साथ ही जाइए। वहीं पे बात कर लेते हैं इंडिया बैटिंग के बारे में, तो यहाँ पे मैंने विराट कोहली, स्मिथ, रोहित शर्मा, और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे उस्मान ख्वाजा और के एल राहुल को लिया है। मुझे उस्मान ख्वाजा को नहीं लेना था, उस्मान ख्वाजा की जगह मुझे यहाँ पे वार्नर को लेना था। अगर मैं वार्नर को लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा टीम जो है यहाँ पे नहीं बन पाता। तो मैं जो टीम चाहता था, जो टीम मुझे बनाना था, वो टीम मैंने माई इलेवन सर्कल पर बनाया है। तो आप थोड़ी देर में उसकी वो टीम मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद ऑलराउंडर पर मुझे मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या ही चाहिए था। इसके अलावा आपके पास जो है केदार यादव एक ऑप्शन रहेंगे, जो कि लगभग 3-4 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। वहीं पे एक और आपके पास अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे जो कि मार्कस स्टोइनिस। लास्ट मैच पे इनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा खासा रहता है। अगर इनको बैटिंग जो लास्ट मैच पे आया था कुछ खास अच्छा नहीं किया था, लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग इन्होंने अच्छी खासी की थी, हालांकि कुछ विकेट उनको नहीं मिली थी। वहीं पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क के बारे में। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के मैच में। ज़्यादातर चांसेस है इन दोनों में से कोई एक जो है मिनिमम 3 विकेट तो लेने ही वाला है, तो आप दोनों को ले सकते हैं। और दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। वहीं पे ये मैंने क्रेडिट की वजह से मैंने यहाँ पे कुंटल नाइन को लिया था। कुंटल नाइन जो है एक ऑलराउंडर के तरी से है, लेकिन आप उसे बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हो। लास्ट मैच पर इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है बैटिंग से स्कोर किया है, लेकिन अगर आप उनको जो है सिर्फ बैटिंग के लिए ले रहे हो तो मत लीजिए, क्योंकि अच्छी खासी ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे बैटिंग के नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास जो यहाँ पे पैट कमिंस बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, आप ले सकते हैं। एडम जाम्पा का जो है फॉर्म है इंडिया के खिलाफ जो बहुत ही अच्छा रहा है, ये हमेशा जो इंडिया के खिलाफ विकेट लेते हैं, तो आप इनको ले सकते हो। भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा चॉइस है आपके लिए, हालांकि मुझे चहल को लेना था लेकिन मैं यहाँ पे चहल को नहीं ले पाया क्योंकि क्रेडिट के प्रॉब्लम की वजह से। अब मैं आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दिखा, तो मैंने कैप्टन यहाँ पे बहुत ही सेफ विराट कोहली। लगभग कल जो है 70% लोगों के टीम में जो है कैप्टन जो है विराट कोहली होंगे। वहीं पे मैंने वाइस कैप्टन जो स्मिथ को लिया था, स्मिथ को मैंने लिया हुआ है। स्मिथ एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, आपको पता है नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन अगर 3 पे आते तो ज़्यादा अच्छा होता। और नंबर 4 पे बैटिंग करने आते फिर भी इंडिया के खिलाफ इनका जो फॉर्म बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छी खासी स्कोर कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा विन करा सकते हैं। लेकिन जो मैं सीरियसली मैं टीम बनाना चाहता था, मैं आपको माई इलेवन सर्कल पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं फाइनली जो है ये वाला टीम मुझे बनाना था। विकेट कीपर पर मुझे एम एस धोनी चाहिए था, जो कि आपको मिल जाएगा। वहीं पर मुझे यहाँ पर विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, स्मिथ और यहाँ पर मुझे लुकेश राहुल चाहिए था। बॉलिंग की ऑलराउंडर की बात करें, मुझे मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या चाहिए था। और यहाँ पे बॉलर्स की बात करें तो मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल, ये मेरी परफेक्ट टीम है और मैं इसी टीम के साथ जो है यहाँ पे खेलने वाला हूँ माई इलेवन सर्कल। तो आप भी अगर माई इलेवन सर्कल नहीं खेलते तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, तो उस पर जाके एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको बस अपना मोबाइल नंबर दे के OTP दे के वेरीफाई करना है। उसके बाद अगर आप 20 रुपीज़ दे के इस लीग को ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ दादा के एक टीम को बीट करना होगा और आप जो है 100 रुपीज़ यहाँ पे विन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप ज़रूर खेलिए। और आप जो है मैं आपको जो टीम दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही नया चैनल है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा टॉस के बाद, अगर कोई सिचुएशन हिसाब से और पिच अगर रिपोर्ट अपडेटेड पिच रिपोर्ट अगर मुझे मिला तो उस हिसाब से इस टीम में जो है थोड़ी बहुत इस टीम में शायद मैं चेंज ना करूं, लेकिन ड्रीम इलेवन की टीम में जो है मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूंगा। वो चेंजेस आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो।
और एक चीज़ मुझे आपको बताना था, अगर आपको फ्री में इन्वेस्ट कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और आपको जो है फैंटेसी साइट खेलना है, तो आप हाला प्ले खेल सकते हो। बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आपको नीचे आपको हाला प्ले की डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगी, अगर उस लिंक से डाउनलोड करते हो, और आप अगर कोई भी लिंक से डाउनलोड करते हो, या फिर आप नीचे मेरा एक रेफर कोड होगा, अगर आप रेफर कोड देते हो तो आपको जो 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिल जाएगा, और उस 50 रुपीज़ का कैश बोनस को आप जो है यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हो। आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक फ्री में आप जो है अच्छा खासा जो है यहाँ से विन भी कर सकते हो। हालांकि इसका जो पॉइंट सिस्टम थोड़ा अलग है, मेरे हाला प्ले के बारे में ऑलरेडी एक दो वीडियो बनाया हुआ है तो पॉइंट सिस्टम के बारे में, तो आप उसे वहाँ पर जाके देख सकते हो और बहुत ही अच्छा यहाँ से विन कर सकते हो। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले मैच के प्रिडिक्शन पे। तब तक के लिए बाय।